तो दोस्तों आज का वीडियो भी हमारा टाटा कंपनी की कार पर रहने वाला है, क्योंकि टाटा ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं सारी एक से बढ़कर एक बनाई हैं। और हम आज बात करेंगे 6 लाख रुपए में टाटा की 5 स्टार रेटिंग कार, जो कि भारत की सबसे सेफ कार है। साथ ही देखा जाए तो यह एक SUV का फील भी देती है। यह कार 5 सीटर है, साथ ही भारत की सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है, क्योंकि यह NCAP द्वारा 5 स्टार रेटेड है। इसके अलावा इसके फंक्शन जितने भी है बहुत ही शानदार दिए कंपनी के द्वारा। लेकिन हम आज बात करेंगे इसके सबसे बेस वेरिएंट के बारे में। तो इसमें ज़्यादा फंक्शन फीचर्स नहीं दिए कंपनी के द्वारा, कम दिए हैं, पर जैसे कि देखा जाए तो 5 स्टार रेटेड इसकी सारे वेरिएंट आते हैं। अगर गाड़ी की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो गाड़ी की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। साथ ही अगर इंजन सेगमेंट में बात की जाए तो गाड़ी का इंजन लगभग इस वाले वेरिएंट के अंदर 1200 cc का देखने को मिलता है। साथ ही गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही अच्छा लुक देने वाली SUV की तरह लगने वाली एक कार है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे टाटा पंच के बारे में। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे टाटा पंच प्योर MT वेरिएंट के बारे में। अगर इसके एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट की कंपनी के द्वारा 6 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस रखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज दे रखी है कंपनी के द्वारा। साथ ही अगर गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 1199 cc का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन देखने को मिलता है। अगर इंजन टाइप की बात की जाए तो इस वाले इंजन को 1.2 रेवरट्रॉन इंजन कहा जाता है। यह एक पेट्रोल इंजन है। साथ ही अगर गाड़ी के मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 84 BHP 6000 RPM, साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 113 Nm 3300 RPM प्रोड्यूस करती है। साथ ही यह गाड़ी 0 से 100 15.23 सेकंड के अंदर पहुंच जाती है। यह गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ऑप्शन के साथ आती है। इस वाले वेरिएंट के साथ आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि बेस वेरिएंट के साथ ही कंपनी ने दिया है। साथ ही अगर गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है। अगर गाड़ी के डायमेंशन सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी की लेंथ लगभग 3827 mm, विड्थ लगभग 1742 mm, हाइट लगभग 1615 mm, व्हील बेस गाड़ी का अच्छा खासा दिया गया कंपनी के द्वारा, जो कि है 2445 mm। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि है 187 mm। साथ ही अगर गाड़ी की कैपेसिटी की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 5 डोर देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यह वेरिएंट 5 सीटर के साथ आता है। साथ ही अगर सीटिंग रो की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टोटल 2 सीटिंग रो देखने को मिलती है। अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 366 लीटर का बिग स्पेस बूट स्पेस दिया गया है। साथ ही अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर कंपनी के द्वारा 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के माइलेज की बात की जाए तो इस वेरिएंट का माइलेज लगभग 18.9 किलोमीटर प्रति लीटर कंपनी के हिसाब से क्लेम करती है। इस वाले वेरिएंट के अंदर स्टील रिम देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी के द्वारा 185/70/R15 के टायर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइज है। साथ ही अगर गाड़ी के सेफ्टी सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यह गाड़ी NCAP द्वारा 5 स्टार रेटेड है। अगर एयरबैग की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टोटल 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं, ड्राइवर साइड फ्रंट पैसेंजर साइड। साथ ही अगर गाड़ी 80 की स्पीड पर रहेगी तो एक बार अलर्ट करेगी और 120 की स्पीड पर रहेगी तो कंटिन्यूस अलर्ट करेगी। इसके अंदर चाइल्ड एंकर पॉइंट भी दिए गए हैं। साथ ही सीट बेल्ट वार्निंग भी कंपनी के द्वारा इसके अंदर इनबिल्ट की गई है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ABS, EBD दोनों प्रकार के ब्रेक सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी के द्वारा और कोई ब्रेकिंग सिस्टम ऐड नहीं किया गया। अगर गाड़ी के अंदर लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर इंजन इम्यूबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग विद की, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे बेहतरीन लॉक सिस्टम कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर एयर कंडीशनर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर मैनुअल एयर कंडीशनर देखने को मिलता है। साथ ही इसके अंदर हीटर भी दिया गया है कंपनी के द्वारा। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ड्राइवर सीट 6-way मैनुअल एडजस्टेबल दे रखी है। साथ ही फ्रंट पैसेंजर सीट 6-way मैनुअल एडजस्टेबल दे रखी है। अगर साथ में सीटों के मटेरियल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर सीटों का मटेरियल फैब्रिक में देखने को मिलता है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर डोर्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर फ्रंट के 2 डोर के अंदर पावर विंडो इंस्टॉल की कर रखी है। साथ ही अगर रियर विंडो की बात की जाए तो रियर विंडो मैनुअल दे रखी है कंपनी के द्वारा। साथ ही अगर ORM की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर इंटरनली एडजस्टेबल ORM देखने को मिलते हैं। साथ ही कंपनी के द्वारा इस वाले वेरिएंट के अंदर बूट लाइट ओपनर इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज सिस्टम के द्वारा दिया गया है। अगर गाड़ी के अंदर लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर हेडलाइट हेलोजन प्रकार की देखने को मिलती है। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर किसी भी प्रकार का फॉग लैंप देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह बेस वेरिएंट है। साथ ही अगर टेल लाइट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टेल लाइट भी हेलोजन प्रकार की देखने को मिलती है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग डिजिटल प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ आता है। साथ ही यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एवरेज फ्यूल कंज्यूमेशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MPT, लो फ्यूल वार्निंग, डोर हैजार्ड वार्निंग,
साथ ही गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है। साथ ही अगर टेकोमीटर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टेकोमीटर एनालॉग प्रकार का देखने को मिलता है। अगर गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर किसी भी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह बेस वेरिएंट है। इसके अंदर अपन को बाहर से ही मार्केट से म्यूजिक सिस्टम लगाना पड़ेगा, कंपनी के द्वारा भी लगाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके उसे आप इंस्टॉल करा सकते हो। तो दोस्तों, टाटा के द्वारा यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। साथ ही अगर जिस प्राइस रेंज के अंदर इसे उतारा गया है 6 लाख रुपये, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो सेगमेंट है, जो इसकी डायमेंशन सिस्टम है, लेंथ वेथ हाइट वगैरह सब चीज़ें, अगर ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है गाड़ी का, 187 mm। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है कंपनी के द्वारा। साथ ही 6 लाख के अंदर आपको एक 5-स्टार रेटेड कार मिल रही है, जो कि एक SUV का फील देती है। उस हिसाब से तो अगर आप देखो तो जैसे कि वेगनार शिफ्ट वगैरह से ये लाख गुना अच्छी है। अगर देखा जाए तो कंपनी टाटा अपनी भारत का कंपनी है। इसके अलावा इसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। देखा जाए तो आने वाले दिनों में टाटा के जितने ज़्यादा प्रोडक्ट रहेंगे मार्केट में, शायद किसी और कंपनी के देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वाले वेरिएंट के अंदर जितना ज़्यादा सुधार कर सकती है टाटा करने में लगी हुई है। टाटा हर प्रोडक्ट के मामले में आगे से आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही आप देख लो, EV में भी आगे निकल रही है, हर प्राइस रेंज के अंदर आपको आगे निकलती हुई दिखती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।